हरेला पर्व पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में भी कई कार्यक्रम हरेला पर्व पर किए गए। वहीं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा हरिद्वार में हरेला पर्व पर और उसके मौके पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि अमर शहीद जगदीश वत्स पार्क में सेनानियों के परिवार ने वृक्षारोपण किया। एक पेड़ पूर्वजों के नाम और एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाकर यह संदेश दिया गया है कि किस तरह से वृक्ष हमारे लिए लाभदायक है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के द्वारा यहां अमर शहीद जगदीश वत्स पार्क में पौधे रोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा संगठन पूरे देश भर में आज जो 22 प्रांत में हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं, लगभग उनकी संख्या 4 करोड़ के लगभग है। हमने आह्वान किया है कि केवल एक वृक्ष अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अपने पूर्वजों के नाम से लगाएं तथा एक वृक्ष अपनी मां के नाम से लगाएं। इस तरह से आज पूरे देश भर में हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। ये केवल वृक्ष लगाना ही नहीं, हमारा जो अभियान हर महीने प्रथम रविवार 10:10 अपने पूर्वजों के नाम चलता है। प्रथम रविवार में समीक्षा करें कि जितने पौधे हमने लगाए हैं वो पौधे जीवित हैं या नहीं हैं। यदि निर्जीव हो गए हैं तो उनके स्थान पर दूसरे पौधे भी लगाएं। आज की जो मतलब मेन उद्देश्य था कि एक जागृति देना कि हम अगर पूरे विश्व को हरितमय नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होने वाला है, अगली जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ करके जाने चल रहे हैं। तो इस हम मंच के माध्यम से ये हम एक संदेश दे रहे हैं और उसको पूरे भारत में, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे साथ जो बैठे थे सब मंचासीन, वो उस तरह के सब वर्ग के प्रबुद्ध वर्ग से थे जो इस कार्य में हम लोगों का योगदान कर रहे हैं। इन सभी के माध्यम से सबसे पहले अपने शहर, फिर अपने जिला, फिर अपने प्रांत और फिर पूरे भारत में हम लोग इस कार्यक्रम को, इसको हरित क्रांति के का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूर्ण करने जा रहे हैं।